YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। तो फिर से नया व्लॉग लेकर आई हूँ और आज आपको घर में मेरे बहुत ज़्यादा शांति लग रही है रहेंगी, क्योंकि अनाया जो है वो गई है उसके नानी के यहाँ पर, छुट्टी लगी है बच्चों का, दिवाली वेकेशन तो वो गई है उधर एक दो दिन के लिए रहने के लिए। वैसे भी मंडे से उसकी स्कूल फिर से स्टार्ट ही होने वाली है। मैं भी इंशाल्लाह एक दो दिन मेरा काम निपटा दूँ और फिर मैं निकलने वाली हूँ। मैं भी दो तीन दिन मम्मी के यहाँ पर रह के आने वाली हूँ। मम्मी गए थे हैदराबाद, मम्मी उन लोग वो लोग वापस आ चुके हैं, तो फिर कल ही आए, फिर ये लोग चले गए वहाँ पे, और इंशाल्लाह मैं भी कल मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी और एक दो दिन रहूँगी। बहुत दिन हो गया उन लोगों से नहीं मिले, और मेरे मम्मी का जो है हैदराबाद में फ़ोन घूम चुका है बहुत, मतलब बहुत अभी टेंशन हो रही है मतलब उनको कॉल वॉल करने के लिए। फिर भी अब्बा का फ़ोन है तो अब्बा के फ़ोन पे, भैया के फ़ोन पे कॉल कर लेते हैं, देखते हैं। अभी अचानक ही उनके गोद से गिर गया और घूम गया फ़ोन और फिर स्विच ऑफ आ गया एज़ यूजुअल। वो तो मिलना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, कुछ घूम गया तो फ़ोन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो ऐसा है। और आज का जो ब्लॉग मैं लेकर आई हूँ वो है मैं एक जो फूड प्रोडक्ट्स का जो स्टोर है उसको एक्सप्लोर करने वाली हूँ। वो भी ईरान से इंपोर्ट होते हैं या वहाँ पर, तो वो फूड प्रोडक्ट्स उनके पास ग्रीन टी है, जूसेस है, पास्ता, मैगी, बच्चों के लिए बहुत सारी हेल्दी चीज़ें वगैरह। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे एक वहाँ का सूप वगैरह पिलाया था, वो इंस्टेंट सूप होता है, वो मुझे बहुत यमी लगा था। तो मैंने उससे पूछा था तूने कहाँ से लिया है, तो फिर उसने मुझे वो एड्रेस दिया है। तो मैंने सोचा चलो कुछ नई चीज़ है पुणे में ईरान के प्रोडक्ट्स है, तो मैंने सोचा हम जा ही रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो आप लोगों को भी मैं लेकर चलती हूँ और वहाँ पे बताती हूँ और आप लोगों को भी डिटेल्स देती हूँ, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और आप हेल्दी खा सके। बिकॉज़ वो उधर के जो सारे फूड्स जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे हलाल हैं। तो अब जो भी डिटेल्स है सारी चीज़ें मैं वहाँ पे चल कर देती हूँ। आज तो अनु है नहीं, बस हम दोनों जाएंगे बाइक पे, और वहाँ पर जो है कार लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम जा रहे हैं बाइक पे। तो चलिए हमारे साथ, हम एक्सप्लोर करेंगे तबरका फूड्स। चल कब तक वेट करना है? चले अब तक कॉल है ना? फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टोर से एक्सप्लोर करवाने वाली, ईरानियन एंड मिडिल ईस्ट के प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अमेजिंग और कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलते ऐसे प्रोडक्ट्स एंड 100% हलाल। यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, इनफैक्ट सारी चीज़ें लेकर जाने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स है और मैं थोड़ी हेल्प लेना चाहूँगी यहाँ के जो है जो ये संभालते हैं वो थोड़ा बहुत डिटेल देंगे भाई। तो बताइए आपके स्पेशलिटी क्या है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चॉकलेट वाइनस बॉटल है, इसमें 5 डिफरेंट फ्लेवर के चॉकलेट आते हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, हेज़लनट, मिल्क, सिनेमन और कैरमेल आते हैं। इसमें 5 डिफरेंट फ्लेवर है, डार्क चॉकलेट भी आते हैं इसमें। और फिर दूसरा हमारा आइटम है ये मिल्क टैबलेट आता है हमारा, फलाडो मिल्क टैबलेट, ये 80 ग्राम्स का होता है। और एक डार्क चॉकलेट है 23 ग्राम्स का। फिर मिल्क में हमारे पास एक छोटा टैबलेट भी आता है चॉकलेट, 23 ग्राम्स का आता है। और बहुत वैरायटीज़ है चॉकलेट्स में, ये फिंगर्स आते हैं, ये एक पैक में 30 पीसेज आते हैं, और ये लूज़ में चॉकलेट बेचते हैं, और इसमें 80 पीसेज आते हैं। कुछ चॉकलेट सिरप है, जेलीज है बच्चों के लिए। तो ये तो हुई चॉकलेट्स के बाद, अब चलते हैं जेलीज के पास, जो कि मेरे बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है।
अनाया देख रही होगी तो ये तो उसको खुश हो जाएगी, वो मम्मा ये लेकर आ रहे हैं। तो अब जो है ये जेली के अलग अलग फ्लेवर है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है? ये प्योर हलाल है, इसमें कोई पिक फैट वगैरह कोई नहीं है। ज़्यादा करके जेलीज में पिक फैट होता है, हलाल नहीं होता है, बट ये प्योर हलाल प्रोडक्ट है तो आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। और नेक्स्ट जो है चाय की तरफ चलते हैं, जो कि सबकी फेवरेट ही होती है चाय। ये हर्बल इन्फ्यूजन टी है, ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स लगते हैं। जैसे ये मिक्स्ड बुराज करके एक टी आती है ईरान में, इसमें एक फ्लावर होता है जो हार्ट डिसऑर्डर्स, एस्मा, डिप्रेशन कम करता है। और जिंजर टी है, ये काफ़ी एनर्जेटिक फील कराती है। और मिंट टी है, ये कॉमन कोल्ड के लिए होती है। और एप्पल सिनेमन, ये हमारी बेस्ट सेलिंग अभी तक टी है, ये आपको वेट लॉस में काम करती है और हमको एक रिलैक्सिंग स्लीप देती है। और फिर हमारे पास टी बैग में एक वर्ल्ड फेमस टी है अर्ल ग्रे, ये टी बैग्स आता है और इसका लूज पैक है। तो ये तो हुई चाय की बात। ये सेक्शन है फिरनी मिक्स, जो कि अगर आपको बहुत टाइम नहीं है, बहुत क्विक आपको रेसिपी बनानी है, फिरनी बनानी है, खीर बनानी है, तो एक ये पैकेट में आपकी फिरनी बन जाएगी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। इसके इंग्रेडिएंट्स ही बहुत अच्छे हैं, बताइए। ये इंस्टेंट फिरनी मिक्स है, 5 to 8 minutes में आपकी फिरनी रेडी हो जाती है। बस 750 ml में आप इस डालिए एक पूरा पैक आपकी। हाँ, 5 to 8 minutes में रेसिपी ऑलरेडी है, पूरा इंग्लिश में लिखा है, डिटेल पढ़ के बना सकते हो। आगे आइए, फिर ये हमारा कोटिंग मिक्स है चिकन का। ये बहुत अच्छा लग रहा है कुछ। बस चिकन में इसको कोट करना होता है और डीप फ्राई करना होता है। जैसे ये केंटकी मिक्स स्पाइसी और ये कैंटकी मिक्स है और ये कैंटकी मिक्स स्पाइसी है। इसमें ऑलरेडी मसाले वगैरह ऐड होते हैं। ओके। और आपको बस जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं, वैसे KFC वगैरह के चिकन आपने खाए होंगे, तो बस ये उसका कोटिंग है। बस आप मसाले, ये इसमें तो ऑलरेडी मसाले है, बस आपको चिकन उस पर कोट कर कर फ्राई करना है बस, तो आपका KFC जैसा चिकन बन जाएगा रेडी। वाओ, ये भी बहुत यूनिक चीज़ लगी है मुझे। आ जाइए अब सूप की तरफ। सूप्स में हमारे पास है 3 different types के सूप, जैसे मशरूम, चिकन वर्मिसली और वेजिटेबल, बट तीनों चिकन है, चिकन फ्लेवर के तीनों भी। तो सर ये सूप है और मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है ये सूप, तो मैं ज़रूर आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी ये सूप ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अमीर होता है, मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है। चलिए अब नूडल्स पास्ता स्पैगेटी की तरफ, जो कि बच्चों की क्या सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, तो ये कुछ यूनिक मैगी जैसा लग रहा है मुझे, आप बताइए क्या है ये। वेज इंस्टेंट नूडल्स है, ये वेज फ्लेवर के है और ये चिकन फ्लेवर में आते हैं वेज इंस्टेंट नूडल। ये हलाल है प्योरली। और ये हमारा पास्ता है, पहले पास्ता, इसमें से एक स्पेगेटी आती है, नो मैदा, हेल्दी। और ऑरेंज जूस भी है, ऑरेंज जूस में पल्प आता है, बाकी आपको जूसेस में एक फिजीनेस नहीं आती है, इसमें फिजीनेस आती है। okay. और बाहर कैसे हम लोग धूल बैठ जाती है, तो यहाँ बहुत खास ख्याल रखा है हाइजीनिक का, तो एक बस एक निकालना होता है आपको और पी सकते हैं। और मैंने ये ऑलरेडी टेस्ट किया है, बहुत ही यमी है ऑरेंज जूस। और ये क्या है? ये वेनिला केक मिक्स है और ये चॉकलेट वाला है। ओके। डायरेक्ट और ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है। अब चलते हैं जैम जेली बोलते हैं, पूरे जैम से अलग अलग फ्लेवर के जैम्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। जैसे हमारे पास है कैरेट जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, फिग जैम, रोज पेटल, सार चेरी। आपको कुछ कुछ फ्लेवर इसमें कई इंडिया में देखने नहीं मिलेंगे। जैसे ये कैरेट तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और ये पूरे जैम है और इसमें जेली बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इनफैक्ट शायद मैं पहली बार ही देख रही हूँ। मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ जैम। ठीक है।
टेस्टिंग टाइम, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। बहुत ही टेस्ट है। शॉर्ट जी आप टेस्ट कर लें। मस्त, बहुत अच्छा। रोज करते हैं ये उससे भी आगे रोज पेटल भी अच्छा है, स्ट्रॉबेरी भी बच्चों को तो पसंद ही आएगा, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा ऐसे खट्टा टेस्ट नहीं है, अच्छा है, मतलब खा सकते बच्चे लोग रोटी के साथ, पराठे के साथ बेस्ट ऑप्शन है, हेल्दी भी होगा। अब नेक्स्ट क्या है बताइए, आपका नाम बताइए पहले तो। हसने। हसने। अभी ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये स्ट्रॉ है, पिकोला स्ट्रॉ। जैसे किसी लोग को दूध नहीं पसंद होता है तो बस 200 से 250 ml दूध में एक स्ट्रॉ डाल दीजिए, जैसे यहाँ से सिप लेंगे तो इसके थ्रू बॉल्स के थ्रू दूध आएगा तो फ्लेवर बन के आ जाएगा। तो ये जो है बच्चे दूध नहीं पीते हैं उसके लिए है बेसिकली। बस आप मिल्क एक जार में या फिर ग्लास में डाल दीजिए, एक स्ट्रॉ डाल दीजिए और इसे अगर पियेंगे तो ये फ्लेवर वाला जो है ना, चॉकलेट वाला फ्लेवर वाला मिल्क निकलेगा और बच्चे शौक से पियेंगे। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे दूध नहीं पी कर जाते हैं स्कूल वगैरह के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है और बहुत अफोर्डेबल भी है, कम प्राइस में भी है, तो आप लोग ले सकते हो। अलग अलग फ्लेवर है, चॉकलेट है, कैरेमल है, फ्रूट है और बनाना स्ट्रॉबेरी। ओके, बनाना स्ट्रॉबेरी। सो ये मुझे बहुत यूनिक लगा ये चीज़। ये आपको इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेंगी, कहीं मिलेंगी और बहुत प्राइस भी बहुत कम है। बहुत अच्छे आपके प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे लगे। ये तो बहुत यूनिक है। और अब क्या है नेक्स्ट? सैफ्रन। तो ये सैफ्रन कहाँ का है? ईरान का। ईरान का। तो ये सैफ्रन आप देख सकते हो कितना प्योर और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ईरान का प्योर सैफ्रन है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पर। तो इनफैक्ट मैं अभी तो बाहर से ही मंगाती हूँ, बट अभी टेंशन नहीं, अभी पुणे में ही आ गया है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये है सारी। तो ये है तबारा का फूड्स, बहुत ही अच्छे फूड प्रोडक्ट्स है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हलाल है। मैं हमेशा बोलती हूँ हलाल प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही होते हैं, हेल्दी होते हैं और स्पैगेटी वगैरह बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं भी अभी घर लेकर जाने वाली हूँ और बनाऊँगी भी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अब ये जो कहा है शॉप, वो सारी डिटेल्स, वो तो बहुत अच्छे लगे आपके प्रोडक्ट्स, बहुत यूनिक है और मैं तो बहुत शॉपिंग करके जाने वाली हूँ आज। और कुछ डिटेल्स बताएंगे आप? यस श्योर, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये हमारा तबारका फूड्स, ये भगवान मस्जिद रविवार पेट में लोकेटेड शॉप है, रंका ज्वेलर्स के पास, गोविंद हलवाई चौक। और हमने ये रिटेल स्टोर बनाया है। हाँ। और होलसेलर भी हम ही हैं, इम्पोर्टर भी हम ही हैं। और अभी हमारा जो मटेरियल है, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स भवानी सुपरमार्केट कौसर बाग में भी ही अवेलेबल है। और NIBM में मेडिकल, एक मेडिकल शॉप है वेलनेस के सामने, उन्हीं के पास भी हमारे ये सब फूड प्रोडक्ट अवेलेबल है, टीज एंड ऑल दोज थिंग्स। और हम लोग होलसेलर भी है, और जिसको न्यू कमर्स है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें, हमसे मिले, और इसमें पोटेंशियल है, चेक करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। अच्छा, इसके बारे में बताएं। और आप बोल रहे थे कि आपके खुद के न्यू शॉप्स अपकमिंग है जो है, और आप बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए बोले तो न्यू कॉमर्स को भी जैसे चांसेस दे रहे हैं, जैसे वो लोग आपसे रिटेल में ले सकते हैं, होलसेल में ले सकते हैं, ऐसे कहाँ पे क्या आ रहे हैं? जी, हमारे ओन शॉप भी आ रहे हैं, गुलाम अली नगर में एक शॉप आ रहा है अभी, गुलशन गरीब नवाज के पास, और सियागढ़ रोड पे भी आ रहा है, और
हम लोग हैदराबाद में भी रिटेलर देख रहे हैं, बेंगलोर में देख रहे हैं और पैन इंडिया में रिटेलर्स की सर्चिंग हमें है, जिस और हमारा एक्सपेंड करने का पूरे इंडिया में है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। बोले तो ऐसे है कि इनका जो है बाहर से ये कंपनी से इनका टाइप है कि इंडिया में जो भी ये प्रोडक्ट्स उस कंपनी के आएंगे उनके लिए सिर्फ इनके पास ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और यही आगे चेन सप्लाई करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा, बिजनेस आइडिया, बिजनेस ग्रोथ काफ़ी है इसमें। और जैसे कि वैराइटीज़ बोले सभी हलाल प्रोडक्ट्स है और कहीं भी आपको ऐसे कुछ मिक्स या बोलते हैं ना केमिकल्स वैसे नहीं है, केमिकल फ्री है। तो बहुत अच्छा लगा, ट्राई करेंगे। और जैसे आप लोग देखें KFC में भी, मैकडोनल्ड्स में भी जो चिकन के वैराइटीज़ बताए फ्राइड में या फिर इसमें, तो वो सब भी अवेलेबल है, डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। तो माशाल्लाह ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, प्लीज ट्राई इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये रही मेरी शॉपिंग, मैंने इतनी सारी चीजें ले ली। और न्यू कमर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं। यस, अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स है, तो ऑब्वियसली आपका अच्छा चलेगा बिजनेस इंशाल्लाह। तो जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा। ये इंडिया में प्रोडक्ट नहीं है और ये सिर्फ हमारे पास ही है, और इंशाल्लाह जो नया काम करना चाहते हैं वो हमसे जरूर आके मिले, हम उनकी जरूर मदद करेंगे। जज़ाकअल्लाहु खैर। और इसमें पल्प जैसा है, ऑरेंज पल्प जैसे ऊपर ऊपर दिख रहा रहेगा। अब मैं एंजॉय करती हूँ और घर चलते हैं। घर आ गए हैं, हम लोग ने रास्ते से ही खाया। एक्चुअली गले में ना थोड़ा सा खराश हो ही रही है मेरी, तो फिर मैंने वहाँ पे ही मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, आपको पता है अंकल चाइनीज़, वहाँ पे सूप बहुत अच्छा मिलता है और गले को बहुत आराम मिलता है, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। थोड़ा फीका फीका भी होता है तो फिर थोड़ा अच्छा रहता है। आजकल मसालों से थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई है, एलर्जी हो रही है मसालों से, पता नहीं क्यों, देखते हैं अब कब तक होता है। दवाई तो चालू ही है मेरी। और वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही अच्छा स्टोर ओपन हुआ है और हलाल प्रोडक्ट्स है और हेल्दी प्रोडक्ट्स है, सब फूड प्रोडक्ट्स है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और है ना, बहुत इजीली सब कुछ बन जाता है, और ज़्यादा करके तो मैगी वगैरह, सूप वगैरह रेडी टू मिक्स है तो फिर फटाफट बन जाता है, और हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा। तो ज़रूर विज़िट कीजिए तबरका फूड्स, और हमको तो बहुत पसंद आया। मैं, आपने देखा मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर कर आई हूँ, तो इंशाल्लाह रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। और ये चीज़ मुझे बहुत नई लगी है, कुछ यूनिक चीज़ है, तो बाकी सब तो मिलता ही रहता है हर जगह, बट ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम कहीं पर मिलती है, तो बहुत यूनिक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो बनाऊंगी, जो जो हम ट्राई करेंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। अब जो है व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी रिव्यू है, जो भी है, दिल से है, जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि बस बताना है तो बता दिया,
ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ बहुत जेन्युइनली बताती हूँ, और जो अच्छी चीज़ है, जो क्वालिटी बेस्ट है, वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ लेने के लिए। तो आप लोग ज़रूर जा सकते हो। सारी की सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी तबारका फूड स्टोर की, तो ज़रूर जाइए। और इंस्टाग्राम पेज भी है, उनको फॉलो भी कीजिए। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो वो आएगा व्लॉग इंशाल्लाह। मायका बोले थे शौर जी, लगी चंदर से आ गए। शौर जी आई एम गोइंग टू मेरे मम्मी के पास। ये तो मालूम है ना, मायका बोले तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है तुमको मायका भेजना। यहाँ पे कोई तकलीफ है, परेशानी है जो मायके जाने का? परेशानी नहीं भी हो तो वो एक हो रहता ही है यार। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन क्या, बहुत महीने हो गए जाकर रहकर। और हमारा क्या, तुम लोग नहीं रहे तो हमारा जो हाल होता है उसका क्या? तो रोज तो आपके साथ ही रहते हैं। हो जाता, बच्चे लोग की आवाज नहीं, कुछ नहीं। ये तो अभी तक भी देखो, ये भी अभी तक ऐसी। शौर जी पुणे में इतनी ठंडी क्यों स्टार्ट हो गई है? ऐसा लग रहा है दिसंबर की ठंडी अभी आ गई है। एनीमे क्या हुआ? उसको ठंडी लग रही है, एनीमे देखते बैठी थी, गंदा सा एनीमे। चलो नो ऐसी बात, बदतमीजी इसे बात करती है माँ के साथ। देख लो, देख लो। अच्छा चलो, ओके, टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।